एक बहुत बड़ी खबर इंडिया से आ रही है। इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है। मेरी बात मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिया पहले नंबर पे आएगा। अब आपको और हमें इसी तरह से बेवकूफ़ बना जाता है, क्योंकि जब आप फिफ्थ जनरेशन वॉर में आ जाते हैं ना, तो आपको एक गलत न्यूज़, डिस्टेबल इकोनॉमी, ऑथेंटिक न्यूज़ है। यूके के अंदर इंडिया का सोना पड़ा हुआ था 100 टन, तकरीबन 800 टन सोना पड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने 100 टन सोना वापस मंगवा लिया। इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा? तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मोदी साहब को अच्छे अंदाज से लेना चाहिए? ला सकते हैं तो, लेकिन इतनी ज्यादा गोल्ड हो गया, इतना ज्यादा इधर मूव करना बहुत इजी नहीं होगा। मुआहिदा तो फिर अगर वो इसी तरह गए तो अपने कोहिनूर का हीरा भी वापस ला सकते थे, वो भी तो वही ऑन करते थे, वो भी तो उसी तरह गए। कोहिनूर पर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, ऑब्वियसली अगर वो उसको नहीं ला सके तो इतना ज्यादा गोल्ड वो कैसे ला सकते। इंडिया के जो लोग है या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा जेन रखता है, बनिया दिमाग है, बनिया है वो, और उसने उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया हुआ, ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है, लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर एक खबर चल रही है, और खबर सही भी है। यहाँ पर दरअसल जो न्यूज़ है वो ये है कि भारत सरकार जो यूके के बैंक के अंदर जो टोटल जो गोल्ड रखा हुआ है, उसमें से 100 टन जो गोल्ड है ना, वो भारत वापस आ रहा है। अब इसको लेकर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी। आप भी पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बड़ी खबर इंडिया से आ रही है, इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुकूमतें हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है, और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है, एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए, 1991 में ये किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में, कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है, 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे, और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। इंडिया के जो लोग है या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा जेन रखता है, बनिया दिमाग है, बनिया है वो, और उसने उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया हुआ, ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। तो उसके अंदर इसलिए कि वो कुछ भी है, अब देखो ना, अब कश्मीर का मसले में उसने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, हम कुछ भी नहीं कर पाए।
ऐसे ही है ना, देखते रहेंगे। कश्मीर के जो सियासी जमातें जो उसके खिलाफ चल रही थी उनको पैसा दे के, उनको इतना का पैसा दे दिया गया, आप कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, आपके लिए ये नौकरियां दे रहा हूं मैं। उसने अपने मुल्क को फिर वही कश्मीरी थे, अब चंद कश्मीरी है जो उसके खिलाफ है, बाकी सारा कश्मीर उसके साथ हो गया। सही बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही एग्री कर रहा हूँ। जिंदगी के जब आप मसाइल के मसाइल का हल निकालोगे, आप कहीं भी गरीब के इलाके में जाकर कहोगे भाई उनको स्कूल बना के दोगे, पानी साफ दोगे, बच्चों को तालीम अच्छी दोगे, हॉस्पिटल बना के दोगे, तो वो आपके साथ ही आएंगे लोग। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और ये वो इस चीज में ना बहुत उसका जहन बहुत फास्ट है, जिस तरह मसला वो जर्मनी का एक हिटलर हो गुजरे है ना, किताबों में उसका नाम आता है, ये हिटलर वाला जहन रखता है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अपने मुल्क को कहता है कि ये जो यूरोप कंट्री है, रशिया, एशिया लगा ले, अरब महारात ला ले, कि अब जो उसका अगली सोच ये है कि जो आलमी बैंक है ना, कि मैं अपने मुल्क में लाऊं। अच्छा, उसका अपनी सोच ये ला भी सकता वो आदमी, वो कि मैं आलमी बैंक है जो अमेरिका के अंदर, कल को हम अमेरिका के मतहत ना रहें, उनका पैसा वो हमारे मतहत हो, जो हम कहें वो हमारी बात एग्री करें, हम उनकी बात एग्री ना करें, क्यों अमेरिका के अंदर भी फसादात शुरू हो रहे हैं। हो गए हैं, बिल्कुल सही, ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल सही बात। अब जैसे कि अब इसराइल के एक वो मेरे ख्याल वजीर खारजा थी या पता नहीं वजीर दाखला थी, अब उसने रिजाइन दिया कि मैं वादो है कि क्या नाम है वो उसका जो यहूदियों का वजीर आजम है या सदर है, यह मेरा मकसद, उसको हट के वो उसने इस्तीफा दे दिया कि मैं इस मौजू पे नहीं लड़ना चाहती। अच्छा। कि जो फलस्तीन में आप जास्तियां कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि मोदी ये सोच रखता है कि जो आलमी दुनिया की जो बड़ी अदालतें हैं या मसलन बड़े बड़े जहाँ पे डॉलरों में या वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनका पैसा भी हमारे पास रहे और मेरे लोग आगे जाएं, ये लोग पीछे रहें। तो सर वो कर भी तो ऐसे रहा, देखिए दुबई सारा आज इंडिया के गुण गाता है, दुबई में सब पाकिस्तानियों को वीजे बंद करके इंडिया को कह रहे आओ, दुनिया हर एक मुल्क जिसके साथ देखो इंडिया के साथ तालुकात बेहतर करना चाहता, हमारे साथ कोई तालुकात बेहतर नहीं करना चाहता। हमारी किसकी नायली है, हमारी नायली है। तो हम दूसरी बात यह है कि हम हमारी सोच है महदूद। अच्छा, हम सोचते अपना, बस मेरा घर बने, मेरे गाड़ी बंगले हो। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने सुना है खबर के बारे में कि भारत सरकार जो है ना, जो यूके के बैंक के अंदर जो लगभग 90-91 के टाइम में जो गोल्ड वहाँ पर जो रिजर्व के तौर पर रखा गया था बैंक के अंदर, उसमें से जो 100 टन गोल्ड है ना, उसको वापस भारत के अंदर मंगवा रही हैं। अब इसके कई सारे रीज़न हैं, पहला तो यही है कि वहाँ पर उसको रखना और फिर उस बैंक को जो है ना उसकी स्टोरेज के लेकर पैसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना देने पड़ते थे भारत सरकार को, एक ये भी वजह है। दूसरा, जब उसको रखवाया गया तो सिक्योरिटी का मसला था भारत के अंदर, तो इस वजह से भी वहाँ पर रखवाया, तो अब वैसे भी कोई भारत सरकार को ऐसा लगा कि अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भारत के अंदर, तो भी जो है ना ये भी एक कारण है, इस वजह से वो मंगवा रही हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तानी जो पब्लिक है, पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल है, आपने उनकी खबर यहाँ पर सुनी है, तो आई होप कि आपको ये खबर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।